स्टूडेंट, आपको आज मैं डीएनए द्विगुणन यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इसके बारे में इस वीडियो द्वारा समझा रहा हूँ। देखो, पिछले वीडियो में जो भी चीज़ें आप लोगों ने समझी उसमें आप लोगों ने डीएनए के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया, जैसे डीएनए क्या है, डीएनए का कंपोजिशन क्या है, डीएजेड फॉर्म क्या होता है, डीएनए इज अ हेरिडिटरी मॉलिक्यूल क्यों है, उसका एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया ग्रिफिथ और हर्शल चेस का। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डीएनए में एक टेंडेंसी है, एक उसका जो सबसे विशिष्ट जो गुण है, सबसे मेन जो करेक्टर है वो है द्विगुणन, यानी कि अपने जैसे डीएनए को फॉर्म करने की पावर, समझ रहे हैं? तो ये अपने जैसे समझा या अपने जैसे समान लक्षण वाले डीएनए को प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, बात समझना की। अब देखो, अगर हम बेसिक पॉइंट लें, बेसिक पॉइंट तो आपको मालूम है कि डीएनए में चार न्यूक्लियोटाइड, ठीक, आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि चार बेस से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, और ये डबल हेलिक्स होता है, सबको मालूम है। देखिए यहां पर अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो ये आपका ड्यूरिंग सेल डिवीजन होता है और इसका जो वो फेज होता है आपका होता है एस फेज। जबकि सेल डिवाइड होगी तो सेल डिवीजन में आपका पहला जो पॉइंट होता है वो इंटरफेज कराता है। सेल साइकिल में जो पहला होता है इंटरफेज होता है, और इंटरफेज में तीन स्टेज होती है, G1, S और G2। तो जो S फेज है सिंथेसिस, इसको बोलते हैं सिंथेसिस। यहां पर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, समझे? तो डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा? ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन S फेज ऑफ इंटरफेज। द्विगुणन कोशिका विभाजन के समय होगा और ये कोशिका चक्र की S फेज जो आपका अंतरावस्था होता है उसके अंतर्गत होता है, समझ गए? अब देखो यहां पर जैसे मान लो एक मैं एक आप डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के रूप में आपको बता रहा हूं, चार इसके बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है? एडेनिन के अपोजिट थाइमिन, गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन, थाइमिन के अपोजिट एडेनिन और साइटोसिन के अपोजिट गुआनिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ ट्रिपल, डबल, ट्रिपल, ये चीजें आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बात समझ में? अब देखो, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन होने पर जो इसकी दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बाइंड होती है, जुड़ी होती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक करने में आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें एक पूरी कॉम्प्लेक्स होता है एंजाइम का, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब इसमें कई सारे एंजाइम आते हैं, जैसे हेलिकेज एंजाइम आता है, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट, टोपो आइसोमरेज सेकंड, ठीक, डीएनए लाइगेज, इस तरह से अलग अलग एंजाइम जो होते हैं वो इसमें यूज होते हैं। तो यहां पर जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन होने पर सबसे पहले जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेकअप किया जाता है, और उसको ब्रेकअप करने में जो एंजाइम यूज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकेज एंजाइम। ये एंजाइम दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको ब्रेक कर देता है। अब सीधी सी बात है कि जब दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो दोनों चेन एक दूसरे से क्या होती है,
पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है, सेग्रीगेट हो जाती है। जब और इस तरह से ठीक एक आपकी ए जी टी सी हो गई और दूसरी आपकी हो गई टी सी ए जी। अब ये आपकी जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, कोल्ड चेन। समझ रहे हैं? और कोल्ड चेन कहां से आ रही है, पेरेंटल डीएनए से, यानी कि पैतृक डीएनए से ये चेन आती है। अब देखो डीएनए जिस माध्यम में है, डीएनए जो है वो जिस माध्यम में है वहां पर जो न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन में यूज होने वाले कंपोनेंट है, जैसे डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक, फास्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, तो ये जो होते हैं ये जिस मीडियम में है, क्योंकि ये जो मीडियम है ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट यानी कि केंद्रक द्रव, तो केंद्रक द्रव में ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यू न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल पहले से ही क्या होते हैं, बने होते हैं। समझ गए बात समझना ही? तो जो न्यूक्लियोप्लास्ट है वहां पर पहले से ही न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बने रहते हैं। और इसका जो कंपोजिशन है ये मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर आपस में कंबाइन होकर न्यूक्लियोसाइट बनाएंगे और फिर न्यूक्लियोसाइट से फास्फेट जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ये कंपोजिशन आपको मैं बता चुका हूं, समझ गए? अब देखो जो ये कोल्ड चेन है उस कोल्ड चेन के अपोजिट डायरेक्शन में नए न्यूक्लियोटाइड को अरेंज करने के लिए एक दूसरा एंजाइम यूज होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो ट्रोपो आइसोमेरेज फर्स्ट। ये एंजाइम क्या करता है, इस ओल्ड चेन के अपोजिट न्यू चेन को फॉर्म करता है। देखो एडिनिन है उसके अपोजिट थायमिन, साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन, ये आपकी बनी, यहां पर एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एक चेन आपकी बनी, तो ये आपकी क्या बनी, न्यू। ये क्या बनी, न्यू। अब एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल, डबल, ट्रिपल, डबल, ट्रिपल, डबल, ट्रिपल, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, रीअरेंज हो जाएगी और इस तरह से जो एक पैरेंटल डीएनए था वो दो डॉटर डीएनए में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो उसका कंपोजिशन ऑफ सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड की है वो तो वो सेम है सेम। बात समझ में आ गई, क्लियर? अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोगों के लिए, जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वो चीज ये है कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो उस रेप्लिकेशन में एक चेन ये आपकी पेरेंटल होगी, यानी कि ये पेरेंटल डीएनए से आएगी और दूसरी जो चेन होगी वो आपकी न्यू होगी, जो जिस मीडियम में भी वो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है वहाँ के अकॉर्डिंग टू जो भी आपका कह सकते हैं कंपाउंड नेचर है उसके अकॉर्डिंग बनती है, समझ गए? तो जो डॉटर डीएनए है उसमें 50% जो करेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, और 50% जो करेक्टर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू मीडियम होते हैं और कंपाउंड के नेचर से होते हैं। तो ये जो करेक्टर है, ये जो लक्षण है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए द्विगुणन, क्या होता है, अर्धसंरक्षी। अब अर्ध मतलब आधा, यानी कि डीएनए के पास जो करेक्टर है उसमें से आधे करेक्टर तो पेरेंटल होते हैं और आधे करेक्टर न्यू होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव,
अर्धसंरक्षी। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव। बात समझ में आई, बात क्लियर हुई? तो यहां पर आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके बारे में जो सबसे पहला पॉइंट था वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। वाटसन और क्रिक जो थे इन्होंने इस चीज को सबसे पहले बताया कि डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो अर्धसंरक्षी होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव। और सेमी कंजर्वेटिव क्या है ये चीज मैंने आपको भी क्लियर कर दी, ठीक है। बाद में दो साइंटिस्ट हुए, एक का नाम था मैथ्यू मेसेलसन और दूसरे थे आपके फ्रेडरिक स्टॉल। इन्होंने इस चीज को अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया, समझ रहे हैं? तो जो एक तरह से सेमी कंजर्वेटिव का जो पॉइंट था उसको प्रपोज किया मिस्टर वाटसन और क्रिक ने, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो आपका था मेसेलसन और स्टार का। तो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेसेलसन स्टार का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो हम अब उसी एक्सपेरिमेंट को सॉल्व कर लेते हैं कि डीएनए इज अ डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव। हाउ टू प्रूव? तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मेसेलसन स्टार का एक्सपेरिमेंट चेक कर लेंगे, ठीक। ओके, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिए, बस पांच दस मिनट का पॉइंट है। देखिए मेसेलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया, फॉर कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का जो द्विगुणन है वो अर्धसंरक्षी होता है, इसको प्रूव करने के लिए मेसेलसन और स्टार ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से आप समझ लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स को यूज किया। आप लोग जानते होंगे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन के जो दो आइसोटोप्स हैं इसमें N15 और एक N14, ये दो आपके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। अब दोनों को अगर हम डिफरेंस करें, दोनों को अगर हम अंतर करें, तो इनमें जो अंतर होता है वो उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग होता है, समझ रहे हैं? तो डिफरेंस बिटवीन N15 एंड N14 अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, समझ रहे हैं? अब यहां पर जो N15 है वो हैवियर होता है देन किसके, N14 के, क्लियर है? N15 भारी होता है किसकी तुलना में, N14 की तुलना में, क्लियर? बात समझ में आ गई? अब आप ध्यान से एक्सपेरिमेंट समझो। देखो इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो किए ई कोलाई पर। अब ई कोलाई के बारे में आप जानते होंगे ये एक बैक्टीरिया होता है, बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, इसको जनरली हर तरह के एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, समझ गए? तो देखो इन्होंने क्या किया, मेसेलसन और स्टार ने अपने प्रयोग में क्या किया, देखो सबसे पहले इन्होंने ई कोलाई को एक मीडियम में कल्चर किया, एक मीडियम में कल्चर किया जिसमें इन्होंने ओनली N15 आइसोटोप नाइट्रोजन का यूज किया, समझ रहे हैं? ई कोलाई को एक तो मीडियम में कल्चर किया, समझ, कल्चर का मतलब होता है जब जहां पर हम किसी एक मीडियम में एडाप्टेबल कंडीशन में बैक्टीरिया को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कल्चरेशन या संवर्धन। आगे बात समझे, तो जहां जो इन्होंने मीडियम यूज किया उसमें N15 आइसोटोप लिया नाइट्रोजन का। अब सीधी सी बात है, इस मीडियम में जो बैक्टीरिया थे उनमें क्या हुआ, बाइनरी फिजन हुआ और एक के बाद धीरे धीरे उनका क्या हुआ, न्यू रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग
न्यू बैक्टीरिया फॉर्म हुए, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजनस मटेरियल था वो किस नेचर का था, N50। इट मीन्स जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी उसमें दोनों चेन आपकी कौन सी रही, N50। क्योंकि जो हमारे पास नाइट्रोजनस थी मटेरियल था वो किस नेचर का था, N50। तो डीएनए में जितने भी नाइट्रोजनस बेस थे वो किस नेचर के आपको मिलेंगे, N50। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए की चेन जो थी वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, N50। तो ये इनका पहला स्टेप था, क्लियर हुआ। ई कोलाई को N50 कल्चर में इन्होंने प्रोड्यूस कराया, तो न्यू डीएनए जो फॉर्म हुआ उसमें दोनों न्यूक्लियोटाइड जो चेन थी वो कैसी रही, N50। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, अब इन्होंने क्या किया, ये जो ई कोलाई है इसको अब इन्होंने ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस ये किया कि इसमें जो आइसोटोप नाइट्रोजन का यूज किया वो कौन सा था, N50। क्लियर, यहां पर जो कल्चर किया गया उसमें डीएनए की दोनों चेन कौन सी थी, N50। जब इन्होंने इसको चेंज किया N14 में तो यहां पर भी क्या हुआ, कल्चरेशन हुआ, न्यू बैक्टीरिया फॉर्म हुए, लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ। यहां पर जो डीएनए था उसमें एक चेन तो आपकी थी N50, लेकिन मीडियम में क्या था, N14। यानी कि जो दूसरी चेन आपकी बनी वो आपकी बनी कौन सी, N14। ये कंडीशन, N15 N14। इसको थोड़ा सा मैंने डैश डैश करके शो किया है जिससे कि डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाए, समझ गए। अब जब इन्होंने इस डीएनए को पहले वाले डीएनए से कंपेयर किया तो क्या देखा, ये वाला डीएनए इस डीएनए की तुलना में क्या था, हैवी था। और हैवी क्यों था, क्योंकि इसके पास दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन N15 थी, जबकि यहां पर एक N15 थी और एक N14। तो इससे ये प्रूफ होता है कि इसके पास दोनों चेन N15 नहीं है। आगे पसंद में क्लियर। अब देखो, चूंकि यहां पर दोनों चेन सिमिलर नहीं है इसलिए ऐसे डीएनए को हम लोगों ने नाम दिया क्या, हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड। और हाइब्रिड का मतलब समझी गए, जिसमें दोनों के नेचर क्या हो, अलग अलग हो। मेंडल के नियम में आपने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज हाइब्रिड। अगर कैपिटल टी कैपिटल टी है तो वो प्योर है, होमोलोगस, समझा, क्लियर होगा। एक पॉइंट और है, अब देखो उन्होंने इसी डीएनए को जब फिर से इसी मीडियम में जब इसको फिर से N14 में ही दोबारा से रेप्लिकेट कराया तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, इसके पास N15 N14 थी और मीडियम हमारे पास क्या था, N14। देखिए N14 ठीक, दूसरी चेन कौन सी थी, N14। ठीक, तो देखो ये वाला तो आपका हाइब्रिड हो गया और इसमें आपकी दोनों N14 N14, यहां पर आपका N15 N14, ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर, या क्या बोल सकते हैं, होमोलोगस। तो अगर हम केवल इस डीएनए की बात करें तो इसकी जो N15 थी उसने N14 के साथ पेयर किया तो आपका हाइब्रिड बन गया, और दूसरी वाली कौन सी थी, N14 और N14 का जब पेयर हुआ तो आपका होमोलोगस बन गया। सेम कंडीशन तुम्हारी इसके साथ होगी, एक आपकी हो जाएगी होमोलोगस ऐसे करके, इसमें आपका N14 होगा, बोलो क्लियर है।
और दूसरी आपकी हो जाएगी हाइब्रिड, जिसमें एक हो जाएगा N50 और एक हो जाएगा आपका N40। ठीक है, तो ये भी आपका होमोलोगस हो गया और ये आपका क्या हो गया, हाइब्रिड। बात समझ में आई? तो मीनिंग क्या निकली, जो कंक्लूजन है वो क्या निकला, हर बार जब भी डीएनए रेप्लिकेट होगा तो उसके रेप्लिकेशन में मीडियम में जो कंपोनेंट है उसी कंपोनेंट का जो न्यू चेन है वो फॉर्म होगी। तो इसका अर्थ यह है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट होगा तो उसमें 50% जो करेक्टर होंगे वो पेरेंटल होंगे और 50% जो करेक्टर है वो क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू मीडियम होंगे, अर्थात न्यू होंगे। तो प्रूफ हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ कंजर्वेटिव नेचर। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया मैसेलसन स्टाल का, ये जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम आपको इसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम में भी एक्सप्लेन करना होता है। और आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाने होंगे, इसमें पहला डायग्राम आपका ये हो जाएगा, सेकंड डायग्राम आपका ये हो जाएगा और थर्ड डायग्राम आपका ये हो जाएगा। क्लियर? तो तीन डायग्राम के माध्यम से आप इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर सकते हो और इसको हम मैसेलसन स्टाल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कब होता है और डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव तो क्यों है, इसका एक्सपेरिमेंट, इतनी चीजें आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी रेप्लिकेशन में कुछ पॉइंट्स और हैं जिनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप मेन जो पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंट ऑफ मैसेलसन और स्टाल और डीएनए रेप्लिकेशन क्या है और उसकी मीनिंग। क्लियर? इसको आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ध्यान से आप इसको समझ लीजिए।